मुझको इज्जत दो, बोझ को इज्जत दो। किस बात की है आप देर? कोई और नहीं बाशीर बदल रहा है, नवाज शरीफ वापस आ रहा है, गली गली में शोर है। नवाज शरीफ ये क्यों निकल रहा, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। आप वोट किसको देंगे? मैं वोट तो सिर्फ नवाज शरीफ को ही दूंगा, इधर जितने भी लोग हैं वो सब वोट नवाज शरीफ को ही देंगे। इधर आओ, वोट तुम किसको दोगे? हाँ हाँ, वोट तो नवाज शरीफ को ही देंगे, कौन पागल होगा जो वोट इमरान खान को देगा। और मेरा पूरा खानदान नवाज शरीफ का फैन है, यहाँ तक कि मैंने अपने भतीजे का नाम भी नवाज शरीफ रख दिया है। मेरी फूफो जान ने अपना नाम चेंज करके मरियम नवाज रख दिया है। अगर आप नवाज शरीफ की हिस्ट्री देखें, वो 1200 साल पहले हमारे ही खानदान में से है। ये क्या है? लगता है किसी पड़ोसी का मोबाइल आ गया मेरी जेब में। दिल पे मोहर लगाओ, अपने रिश्ते बचाओ। दिल पे मोहर लगाओ, अपने रिश्ते बचाओ। नाजरीन, ये लोग आजाद उम्मीदवार की रैली लेकर जा रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि आज इस बार इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा क्यों लिया। आपने इलेक्शन में आजाद उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा क्यों लिया? इस मजबूरी के तहत हिस्सा लिया इलेक्शन में। असल इलेक्शन तो सानिया लड़के गई है मेरे साथ, असल पॉलिटिशियन तो सानिया थी। पूरे साल खर्चे करवाए और जब शादी करने की बारी आई तो इस्तखारा में नाम ना आया। और एक दिन सानिया की दोस्त इकरा का मैसेज आता है कि सानिया साबुन खाकर मर गई है। भला कोई साबुन खा के मरता है? इसी वजह से आप लोग दिल पे मुहर लगाओ और अपने अपने रिश्ते बचाएं, ना तो फिर किसी का इस्तखारे में ना आएगा और ना कोई सानिया साबुन खा के मरेगी। दिल पे मुहर लगाओ, अपने रिश्ते बचाओ, अपने रिश्ते बचाओ। जीत का निशान, जीत का निशान, जीत का निशान, आपके वोट का हकदार। आपका नाम क्या है? शेख रशीद। आप पीपल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, बिलावल भुट्टो को। तो मतलब पीपी को ही वोट देंगे ना? नहीं, बिलावल भुट्टो को। तो बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपी भी है ना? अच्छा, आप बिलावल भुट्टो को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? खूबसूरत है। खूबसूरत है तो आप बिलावल को खूबसूरती की वजह से सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, नाजुक भी है। नाजुक भी है? अच्छा, तो बिलावल ना जीत पाया आपका तो फिर दिल टूट जाएगा। भाई ऐसा दिल रखते ही नहीं कि दिल टूटे, ऐसे आप भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मेरा नाम बिलावल नहीं है। चाहे जो नाम भी हो, जाने मन बात तो सुनो। मेरा नाम बिलावल नहीं है। जुल्म का बदला वोट से। इस बार के इलेक्शन में आप सब ने मुझे वोट देना है, मैं आपके इलाके में तब्दीली लाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप सबको पता है कि पूरे मुल्क में बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं और उम्मीदवार और वोटर दोनों पुरजोश नजर आ रहे हैं। मेरे साथ एक भाई खड़े हैं, तो आइए इनसे पूछते हैं कि मुल्क के हालात को देखते हुए ये किसको वोट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। मुल्क के हालात को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मुल्क के हालात को मद्देनजर रखते हुए मैं इमरान खान की पार्टी को वोट दूंगा। अच्छा, लेकिन भाई पेट्रोल 300 रुपए फी लीटर हो गया और डॉलर 283 रुपए हो गए हैं, तो फिर भी आप पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं? खुदा करे पेट्रोल 1000 रुपए लीटर हो जाए और डॉलर 1500 रुपए, फिर भी मैं इमरान खान को वोट दूंगा। अगर वो चाहते तो लंदन में ना आराम वाली जिंदगी गुजार सकते थे क्रिकेट के बाद, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो जानते हैं कि सुकून सिर्फ कब्र में है। लेकिन जब वो बोलते हैं ना कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, तो घबराहट वैसे ही दूर हो जाती है। आई आई पीटीआई नहीं मेरे भाई, आई आई पुलिस आई। भैया आप किस पार्टी को वोट दोगे? भाई जान, हम उस पार्टी को वोट देंगे जिसने अच्छा खाना खिलाया हो। देखो, एक ने तो प्लेन बिरयानी खिलाई हो, दूसरे ने सिर्फ चिकन वाली बिरयानी खिलाई हो, और तीसरे ने उसके साथ चिकन वाली बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक भी पिला दियो, तो हक किसका बनता है? आप ही बता दे मुझे, ये कोल्ड ड्रिंक और चिकन वाली बिरयानी वाले का ही हक बनता है? हाँ यार, ये तो है। वैसे आपको कौन सी पार्टी पसंद? वैसे तो स्कूल में बहुत सारी पार्टियां की है, लेकिन मुझे डांस पार्टी पसंद है। ओ माला, मैं तो इलेक्शन वाली पार्टियों की बात कर रहा हूँ। ओ यार, ये सीन कट कर देना, मेरे अब्बे को पता ना चले।